हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पर्पल क्रिएशंस। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए क्रोशिया का बूट लेकर आई हूँ। ये मैंने 5 नंबर का साइज़ बनाया है और अगर आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो मैं बताऊँगी उसके लिए फिर कितनी चेन्स बनानी है। ये देखिए, यहाँ से ये सोल है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर इसके लिए मैंने 12 नंबर का हुक यूज़ करा है और 6 प्लाई की वूल यूज़ कर रही हूँ मैं इसके लिए। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये मैंने नॉट बना लिए, इस तरीके से ये नॉट बन जाती है। अब हमें इसके लिए 25 चेन्स बनानी है। इस तरीके से 25 चेन्स मैं बनाती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने 25 चेन्स बना ली हैं। अगर आपको इससे बड़ा साइज बनाना है तो 5 चेन और बना लीजिए, और अगर उससे बड़ा बना रहे हैं तो फिर 5 चेन और बढ़ा देना। इस तरीके से एक एक साइज़ बढ़ जाएगा। अब इसके बाद हमें 3 एक्स्ट्रा चेन बनानी है, 3। अब हमें चौथी चेन में इसमें डबल क्रोशिया बनाना है और हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरीके से हर चेन में, यहाँ तक मैं बना के आपको दिखाती हूँ, हर चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए, अब मैं ये लास्ट वाली स्टिच पर आ गई हूँ तो इसमें डबल क्रोशिया बनाना है 1। अब इसमें 4 बार और डबल क्रोशिया बनाना है, टोटल 5 बार, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये 5 बार इसमें डबल क्रोशिया बन गया। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। अब मैं यहाँ से यहाँ तक ला के बना के आपको फिर दिखाती हूँ। अब ये देखिए, दूसरी साइड में मैं आ गई हूँ, इधर दूसरी रो में। इधर मैंने 5 बना लिए थे, अब इधर भी मैं 5 डबल क्रोशिया बनाऊँगी इस वाले होल में, 1, 2, 3, 4 और ये 5। और इसको स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर देती हूँ इस रो को। ये कंप्लीट हो गई। अब हमें 1 और 2 चेन बनाते हुए फिर इसमें पूरी यहाँ तक मैं लाऊंगी
ये रो कंप्लीट करनी है, डबल क्रोशिया बनाना है हर स्टिच में। मैं आपको भी दिखाती हूँ, ये देखिए यहाँ तक बना के मैं लाती हूँ। ये हमारी इधर की सेकंड रो स्टार्ट हो गई है, ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ से मैं हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाऊँ, दो बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी, एक ये दो, फिर अगले स्टिच में भी मैं दो बार डबल क्रोशिया, इसमें भी डबल क्रोशिया दो बार, इसमें भी डबल क्रोशिया दो बार, इसमें भी डबल क्रोशिया दो बार, यहाँ तक मैं इस वाली रो को यहाँ तक लाती हूँ। मैं डबल क्रोशिया हर स्टिच में करते हुए इस रो को यहाँ तक मैं लाती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर ली ये वाली रो। अब मैं यहाँ से एक दो तीन, तीन स्टिच में दो दो बार डबल क्रोशिया करूँगी। ये हील वाला हिस्सा है तो इस तरीके से इसमें तीन स्टिच में मैं दो बार डबल क्रोशिया बनाऊँगी। इस स्टिच से सिंगल स्लिप स्टिच बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। अब इसके बाद मैं यहाँ दो मैंने चेन बनाई और हर स्टिच में डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ तक मैं इसको बना के कंप्लीट करती हूँ। ये देखिए यहाँ तक मैंने बना लिया। अब इसके बाद यहाँ मैं दो बनाऊँगी स्टिच में, दो डबल क्रोशिया बनाऊँगी, फिर एक अगले स्टिच में एक डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया, फिर उससे अगले स्टिच में एक बार, फिर उससे अगले स्टिच में दो बार, इस तरीके से एक में एक बार, एक में दो बार डबल क्रोशिया बनना है। एक बार ये हो गया कंप्लीट। अब मैं यहाँ तक ये यहाँ तक डबल क्रोशिया बना के लाती हूँ, हर स्टिच में डबल क्रोशिया। यहाँ तक बनाने के बाद ये हील का पोर्शन है तो एक बार एक स्टिच में दो बार डबल क्रोशिया बनेगा,
एक बार फिर दो बार फिर एक बार और फिर दो बार यहाँ एक बार बना, ये लास्ट वाला स्टिच है, ये कंप्लीट हो गया है सोल इसका, और यहाँ से स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर दिया। ये देखिए इस तरीके से ये इसका सोल बन चुका है, यहाँ से स्टार्ट होता है, तो इसका सोल कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो वाली लाइन है इसको बनाती हूँ, इसको ये वाली जो लाइन आ रही है इसको मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनाना है। देखिए इस तरीके से एक दो तीन, तीन चेन बनाइए, फिर इसके बाद इस वाली किनारी से हमें डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना है हर स्टिच में। यहाँ से देखिए इस तरीके से ये किनारी बनती जा रही है, और ये सोल का ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये अंदर आ जाएगा। मैं आपको ये वाला पूरी यहाँ से यहाँ तक करके दिखाती हूँ। ये देखिए ये रो कंप्लीट हो गई है, अब यहाँ से मैं स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए हो गई, ये रो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हम इसमें तीन चेन बनाएंगे, और इस तरीके से पहले फ्रंट साइड से फिर उसके बाद ये बैक साइड से ये इस तरीके से डबल क्रोशिया बनाना है। पहले फ्रंट साइड से एक, फ्रंट साइड से और एक बैक साइड से ऐसे बनाते हुए इस रो को कंप्लीट करना है। साइड से इस तरीके से इस रो को यहाँ तक कंप्लीट करके मैं बताती हूँ। ये देखिए ये वाला राउंड कंप्लीट हो गया है, यहाँ से यहाँ तक मैंने बना दिया। अब मैं इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर देती हूँ। ये देखिए अब एक राउंड और इसी तरीके से बनाना है, इसको कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाना है।
ये देखिए थर्ड राउंड कंप्लीट हो गया इसका। यहाँ से मैं स्लिप स्टिच से कंप्लीट कर देती हूँ। अब इसके बाद फोर्थ राउंड है जो यहाँ से मैं यहाँ तक बना के, देखिए मैं इस तरीके से बनाती हूँ। तीन चेन बनाई है, फिर उसके बाद फ्रंट से यहाँ से मैं यहाँ तक बना के अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये सेंटर वाली ये वाली लाइन है, तो अब यहाँ तक मैंने डबल क्रोशिया बनानी है। अब इस तरीके से ये देखिए इस ये बैक वाला है इसमें नहीं बनाना, अब मैं इसमें बनाऊँगी। ये देखिए इस वाले में इस तरीके से बनाया, ये इसको उतारना नहीं है। फिर इसके बाद इसको इस बीच वाले स्टिच में से ऐसे बनाया, इसके बाद ये तीसरे स्टिच में से मैंने ऐसे ही बनाया। अब ये इन चारों को मैं एक साथ निकाल देती हूँ, चार का एक बना देती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से ये दोनों तरफ से एक एक कम होता जाएगा और ये वाली शेप आती जाएगी, ये वाली शेप आती जाएगी। मैं आपको फिर बताती हूँ एक बार। ये बन चुका है एक, अब इसके बाद हमें यहाँ से बैक में से लेना है। इस तरीके से यहाँ से ये शेप बनती जाएगी, ये वाले कम होते जाएंगे। हम मैं यहाँ से यहाँ तक बना के लाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब हमें इस तरीके से इनको कम करना है। ये देखिए इस वाली रो को अब हमें एक साथ बुनना है। ये देखिए इस तरीके से, ये मैं आपको बताती हूँ। ये बुना, फिर उसके बाद ये तीन जो सेंटर की थी ये दो ये वाली इस तरीके से हमें ऐसे ले लेनी है। ये देखिए ये देखिए, और इसके बाद ये वाली रो अब हम चारों को एक साथ बुन देते हैं। ये देखिए तो ये इस तरीके से ये आ गए कि ये ऐसे शेप बनती जाएगी, जैसे कि ये है ये ऐसे शेप बनती जाएगी।
ये आगे से ये शेप बनती जा रही है। हमें इसके बाद फिर यहाँ से यह रो कंप्लीट करके यहाँ से यहाँ तक लाके फिर मैं आपको बताती हूँ एक बार और। ये देखिए अब मुझे यहाँ से अब एक और बनाना है। ये देखिए यहाँ से मैं इसको इस तरीके से सेंटर वाले को इस तरीके से, ये सेंटर वाले को इस तरीके से, और फिर इस साइड वाले को इस तरीके से। ये देखिए चार हो गए। अब चार का मुझे एक बनाना है इस तरीके से। ये देखिए ये शेप बनती जाएगी इस तरीके से। और ये जितना मैं यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ तक, इसी तरीके से ये बनता जाएगा आगे। ये देखिए आगे से शेप बनती जा रही है इसकी। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरीके से ये बनता जा रहा है। फिर मैं आपको यहाँ तक बना के अभी दिखाती हूँ। ये देखिए अब इसका मैंने यहाँ तक पोर्शन बना लिया है। ये यहाँ तक बन चुका है। अब मैं इसके ऊपर वाला ये जो लीफ वाला पैटर्न है, ये मैंने तीन राउंड बनाए हैं, एक दो तीन। आप इसमें एक राउंड भी बना सकती हैं या फिर पांच राउंड भी बना सकती हैं। देखिए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। इतना बनाने के बाद मैं इसमें अब ये वाला पैटर्न डाल रही हूँ। देखिए सबसे पहले मैं इस तरीके से तीन चेन बनाऊंगी, उसके बाद इसमें एक बार और डबल क्रोशिया बनाती हूँ, फिर इसके बाद एक चेन छोड़ के दूसरे वाले में सिंगल क्रोशिया, फिर एक छोड़ के दूसरे में, अब मैं तीसरे में डालूँ, तीसरे में नहीं, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, एक दो तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर इसी तरीके से एक दो छोड़ के ये दो चेन स्किप करके तीसरे चेन में हमें डबल क्रोशिया दो बार बनाना है। एक बार और दूसरी बार दो बार स्टिच में दो बार। फिर उसके बाद एक दो तीसरे वाली स्टिच में डबल क्रोशिया एक बार, फिर इसके बाद फिर तीसरे चेन में हमें दो बार। ये देखिए इस तरीके से ये पूरा राउंड मैं अभी कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ इस तरीके से बनेगा, एक बार एक, दूसरी बार दो, फिर एक, फिर दूसरी बार दो। ये देखिए पूरा राउंड कंप्लीट हो गया। ये देखिए इस तरीके से। अब इसके बाद इसको यहां से एक चेन से स्किप करना है इस तरीके से।
अब हमें तीन चेन बनानी है, एक दो तीन, और इसको हम एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इसके बाद हमें इसमें से इस तरीके से दो तीन चार और ये पांच, पांच डबल क्रोशिया करने के बाद दो चेन बनानी है, एक दो। फिर इसके बाद ऐसे टर्न किया और जो हमने दो क्रोशिया करे थे एक साथ, उसके एक क्रोशिया में तो हमने ये पांच बना दिए, अब दूसरे क्रोशिया में फिर हमें पांच बनाने हैं डबल क्रोशिया, एक दो तीन चार और ये पांच। अब दूसरे वाले डबल क्रोशिया में मैंने पांच ये चेन बना ली, तो इस तरीके से ये लीफ वाला पैटर्न बन दिखने लगे, ये एक लीफ बन गई। अब हमें जो हमने एक बार बनाया था डबल क्रोशिया उसमें से ऐसे से सिंगल क्रोशिया बना देना है, एक बन गया, ये देखिए इस तरीके से एक लीफ बन गई है। अब इसके बाद अगली लीफ बनेगी, फिर इसके बाद ये डबल क्रोशिया जो हमने दो बार करा है ना डबल क्रोशिया, फिर इसमें इसी तरीके से पांच बार डबल क्रोशिया बनेगा। एक पहले वाले डबल क्रोशिया में ये पांच बार बनाती हूँ मैं, एक दो तीन चार और ये पांच। ये पांच बार मैंने एक तरफ डबल क्रोशिया बना लिया, उसके बाद दो चेन बनाई, इसके बाद टर्न किया और जो हमने दूसरा वाला डबल क्रोशिया उसमें फिर पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं, इसमें इस तरीके से पकड़ लेते हैं और इसको पांच डबल क्रोशिया बनाते हैं, एक दो तीन चार और ये पांच। ये देखिए यस, दूसरी लीफ बन गई है, ये देखिए इस तरीके से ये बनती जाएंगी। एक और बताती हूँ मैं आपको, फिर एक बार और बताती हूँ। अब ये जो हमने एक बार बनाया था इसमें से सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरीके से, ये देखिए ये दो लीफ बन चुकी हैं। अब हमें तीसरी लीफ इस वाले में बनानी है, ये देखिए ये दो हमने बनाए थे जो एक साथ, उसमें से पहले वाले को ऐसे लेते हुए इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार और ये पांच, पांचवा बना रही मैं, ये पांच, पांच डबल क्रोशिया बनाने के बाद दो चेन बनानी है, एक दो। इसको टर्न किया, अब जो हमने दूसरा वाला बन था डबल क्रोशिया उसमें हमें फिर पांच इस तरीके से इसको ऐसे पकड़ा और पांच इसमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक दो तीन चार और ये पांच। एक लीफ और बन गई है, ये देखिए इस तरीके से ये लीफ बनती जाएगी, इधर तक बनानी है। ये राउंड कंप्लीट करके मैं आपको फिर बताती हूँ। ये देखिए ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है ये पूरा। अब इसके ऊपर वाला राउंड ये देखिए इस तरीके से,
जब हम लास्ट वाला ये लीफ बनाते हैं तो इसके बाद हम इसे इसमें स्किप इस तरीके से इसे ज्वाइन कर देते हैं। अब इसके बाद तीन चेन बनेंगी, एक दो तीन, और फिर एक बार क्रोशिया और इसमें बनेगा। अब हमें जहाँ हमने एक बनाया था वहाँ दो क्रोशिया बनेंगे, जहाँ दो बनाए थे वहाँ एक बनेगा। इस तरीके से मैं दिखाती हूँ आपको। अब यहाँ जो हमने लीफ बनाई है, हमने पहले दो क्रोशिया बनाए थे, डबल क्रोशिया, तो अब मैं यहाँ पर एक बनाऊंगी। ये देखिए, इसके बाद यहाँ जो हमने एक बनाया था अब इस पे हमें दो बनाने हैं इस तरीके से। इसी होल में से अब इसमें हमें दो बार बनाना है डबल क्रोशिया। ये देखिए, ये दो बार बन गया, और ये जो लीफ बनाई थी इसमें हमने दो बार बनाए थे, तो अब हमें इसमें एक बार बनाना है। और ये जो बीच में हमने एक बनाया था ये वाला, अब इसमें हमें दो बनाने हैं। एक बार फिर एक बार और इसी में, ये दो बार बन गया। तो ये जो सेंटर में है इसमें लीफ में इसके एक बनाना है। ये देखिए इस तरीके से वाला राउंड अभी ऐसे ही बनेगा जैसे हमने स्टार्टिंग में बनाया था पहला राउंड। अब मैं इसको पूरा करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसको यहाँ से स्किप करना है, थोड़ी ये देखिए इस तरीके से ही हो गया। अब मैं तीन चेन बनाऊंगी, एक दो तीन, इसको एक काउंट करूंगी, और इस वाले अब मुझे इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाना है। तो दो तीन चार और ये पांच, इसके बाद दो चेन, एक दो, इसको टर्न किया, जो मैंने दूसरा वाला बनाया हुआ था इसमें अब पांच डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक दो तीन चार और ये पांच, इस लीफ के पांच हो गए। ये देखिए, जो हमने पहले सिंगल बनाया था अब उस पर लीफ बनेगी इस तरीके से। ये देखिए, ऐसे आता जाएगा। अब देखो मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए ये लीफ हो गई। अब हम इसे जो सिंगल क्रोशिया बनाया था, एक बनाया था डबल क्रोशिया, तो उसमें ऐसे इसमें सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। अब फिर इसमें ये जो दो बनाए हमने, अब ये लीफ के बीच का है जो इसमें अब हमें दो ये लीफ बनेगी, जो फर्स्ट रो में हमारी लीफ दो थी उसके बीच में अब ये लीफ बनेगी। तो इसमें पांच डबल क्रोशिया बनाती हूँ मैं।
एक, दो, तीन, चार और ये पांच। इसके बाद दो चेन बनानी है, इसको टर्न किया। अब हमें इसमें इसके दूसरे वाले जो हमने दो बनाए थे उनमें से दूसरे वाले में पांच डबल क्रोशे बनाना है। एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये देखिए दूसरी लीफ भी कंप्लीट हो गई इस तरीके से दोनों के। ये देखिए इस तरीके से ये आती जाएगी। एक और मैं लीफ बनाती हूँ। अब इन दोनों में से जो हमें पांच पांच डबल क्रोशे बनाना है, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये इस तरफ के पांच हो गए, दो चेन बनाई। अब मैं दूसरी तरफ के जो दूसरा क्रोशे बनाया था डबल क्रोशे उसमें से एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ये देखिए इस तरीके से ये लीफ आ गई पांच। इसके बीच में आ जाइए, ये देखिए इस तरीके से ऐसे आ जाएगी लीफ। अब ये सेकंड राउंड करके और थर्ड राउंड में मैं बना के आपको फिर दिखाती हूँ। इस तरीके से देखिए ये इन दोनों के सेंटर में, इन दोनों के सेंटर में ये बनती है, फिर उसके बाद इन दोनों के सेंटर में ये बनती है लीफ। इस तरीके से बनाना है, मैं कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए दूसरा मैंने ये वाला पेयर बना लिया इसका। ये देखिए इस तरीके से बहुत सुंदर लगते हैं दोनों।